हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अभी काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि सर ये वाली वीडियोस बनाइए। तो इसलिए दिल्ली के नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस सेक्टर 9 की वीडियो, उसके बाद संजय वन में गए हैं हम और कुछ सस्पेंस है वीडियो के अंदर, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और पूरी वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है। Hi guys, the real one is back again with a new video. और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जिनको आप सब जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कुछ नया करने का रहता ही है मन में। और सॉरी यार, बहुत लेट हो गए इस वीडियो को, 6 मंथ लगे हैं दोबारा, क्योंकि यार शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था और वो था, लेकिन आज तूफानी करना है। आज पूरी दिल्ली छानने वाले हैं और दिल्ली में 2 या 3 मोस्ट जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनको आज दिखाने वाले हैं। तो दिल्ली के नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस आपने सबने देखा अभी अभी नेट पे, जैसे कि सर्च करते ही गूगल पे आता दिल्ली का नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस द्वारका सेक्टर 9 पीपल का पेड़। ये है वो पीपल का पेड़ और पहले से ही हमारे दोस्त सागर जी यहाँ बैठे हैं और टाइम हो रहा है पूरे रात के 12:02 और कुछ कहना है भाई? हाँ, कहना ज़रूर है। और लोगों के मन में झूठे झूठे भ्रम, झूठी झूठी बातें उनके दिमाग में डालना, वीडियोस पे वो देखते रहते हैं यूट्यूब पे। देखो यार, आपने इतनी वीडियोस देखी है, पता है क्या बंदों, मैंने कई और हॉन्टेड थोड़े चैनल देखे हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कि नहीं कुछ दिखा था। मैं फिर से हर वीडियो में चैलेंज करता हूँ, इस वीडियो में मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ बोलोगे जहाँ कहोगे वहाँ, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे आई एम रेडी। ठीक है, ये है वो पीपल का पेड़, मैं और मेरा दोस्त। अब यही कमेंट्स आएंगे सबके दोबारा कि अकेले जाते, ये जाते, वो जाते, तो मैं बार बार बोलता आता हूँ और पिछली वीडियो में बोला था कि भूत की गांठ फटती है क्या 3 बंदों से। आज भी हम 3 हैं, एक कैमरामैन राकेश, दूसरा सागर तिवारी और तीसरा कुछ और नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ आपके, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, अगर आपको गाड़ी दिख रही हो तो काफ़ी दूर वहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये पीपल का पेड़ है, इसके यहाँ पर ये मंदिर बनाया हुआ है। देखो रात को पता नहीं क्या डरने की बात है यहाँ पे, ये किसी श्री दादा भाई वाला मंदिर है और इतनी लाइटिंग है रात के 12 बजे भी यहाँ पर। और इसकी स्टोरी है, जो स्टोरी आपने भी देखी वही इसकी स्टोरी है, बताते हैं। यहाँ पे कोई जो लेडी है, यहाँ पे कोई भी निकलता है तो उसके पीछे भागती है, फिर उसको थप्पड़ मारती है। आपको दिखाता हूँ, इसके साथ एक छोटा सा जंगल हो रहा है, आपको दिखाता हूँ, आइए थोड़ा पास आइए। रात के 12:11 हो चुके हैं, हम उसी सामने जो छोटा सा जंगल है उसके अंदर है और यहीं से आवाज़ें आ रही थी कुछ। अब पता है, देखो विश्वास हमें किसी चीज़ में नहीं है, क्या पता कोई दारू पी के बैंड रहा हो, क्या कर रहा हो क्या नहीं, लेकिन देखेंगे आवाज़ थी किस चीज़ की। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, हमें तो कुछ अभी दिख नहीं रहा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आवाज़ आई थी। आवाज़ ये नहीं पता किस चीज़ की आई थी, लेकिन आवाज़ आई थी और वही भ्रम हमें जो दूर करना है लोगों का। देखो यहाँ, और यहाँ पे छोटी सी एक गैलरी भी बनाई हुई है बाहर जाने आने के लिए।
देखो यार मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, रात के 12:15 हो रहे हैं, वही है हम, अगर कुछ है होता तो फिर वही बात बोल रहा हूँ हर बार की तरह, क्यों दिखे आए सामने, ठीक है, कुछ तो हमें एहसास, कुछ तो फील, कुछ तो महसूस हो, लेकिन वही बात है, आवाज़ आई थी शायद किसी आदमी की थी, कोई दारू पी रहा होगा या फिर कुछ हो रहा होगा, शायद वो भाग गया होगा देख के हमारी लाइट्स को और देख के कि कोई बंदा आ रहा है सामने से, शायद इस वजह से हो सकता है, और अगर भूत भागा तो इतना बड़ा गंडपट्टू भूत नहीं देखा मैंने तो भाई, ठीक है चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, चलते हैं और कहीं देखते हैं दिल्ली में आज की रात कुछ मिलता है या नहीं मिलता। भाई ये है जो हमारे ये थे भूत यहाँ के, ये लिख रहे दिल्ली का नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस, ये देखो और जो डराते हैं लोगों को यार। तो दिल्ली के नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस के बाद हम आए हैं अभी संजय वन, जैसा आप ऊपर बोर्ड में देख रहे हैं संजय वन में आपका स्वागत है, और इस समय देखते हैं इसमें चल के क्या होता है। टाइम हो रहा है इस टाइम 1:26 रात के, देखते हैं अंदर आ चुके हैं करीब थोड़ा सा अंदर जंगल के, संजय वन मतलब गार्डन कह लो जंगल कह लो, तो थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं, अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, और जैसे कि बाहर बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे अंदर जानवर हैं गीदड़ वीदड़ टाइप के, तो और तो कुछ है नहीं, करीब 1 किलोमीटर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डीप आ चुके हैं जंगल के अंदर, थोड़ा ज़्यादा एक बार अंदर की तरफ चलते थोड़ा जंगल में देखते हैं। पता है क्या है, कुछ नहीं है मुझे ऐसा लगता है, अगर ज़्यादा अंदर जाते हैं तो देखो दिख रहा है जंगल दिख रहा है अंदर का, थोड़ा ऐसा होगा कि जैसे सांप वाँप होंगे ये हो सकता है, लेकिन भूत भूत का तो मतलब ही नहीं है सवाल ही पैदा नहीं, और अगर है तो फिर आ जाओ। अभी खड़े हैं रात के 1:30-2 के करीब उसके इलाके में, आ जाए आधा से 1.5 घंटा हो चुका है पूरे जंगल के अंदर घूमते हुए, काफी अंदर आ चुके हैं, और अब तो मतलब सिर्फ ये लगा लो सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, और लोगों का अंधविश्वास यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। अब इनमें घुसना तो देखो बेवकूफ़ बनती है, अगर भूत होना होता तो यहाँ पर भी आ जाता, ठीक है ठीक है, पेड़ पे बैठा होता, कहीं बैठा होता, कुछ कर रहा होता, बंदी के साथ घूम रहा होता सैटरडे नाइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यार अब टाइम हो चुका है 3:30 और घर चला जाए, क्योंकि इन्हीं चक्करों में ना फालतू में घूमना कुछ मिलना है नहीं। अगली बार मिलेंगे आपको किसी नई जगह नई चीज़ों के साथ और नए डर के साथ। कीप वॉचिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भी कुछ धमाकेदार आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।